नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में आपके साथ। मैं हूँ निशा और दोस्तों आज फिर कुछ नए लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों प्रोग्राम में सबसे पहले इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? भुवनेश्वर शर्मा। क्या करते हैं सर? कंप्यूटर की शॉप है। कंप्यूटर की शॉप है। तो सर हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ के बारे में? मैंने पहले तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अभी चल रही है सोच जी, शेयर मार्केट में पैसा लगाना और करोड़पति बनना है। क्या बात है, करोड़पति बनने का मतलब आप सपना देखते हैं। तो सर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आपकी होंगी कि पैसा जब आ जाएगा तो ये करूंगा वो करूंगा। सर विश लिस्ट में क्या क्या है, जब पैसा आ जाएगा करोड़पति आप हो जाएंगे, क्या क्या पैसे आने के बाद में पैसे से पैसे बनाने हैं और मजे करने हैं। तो मजे वही पूछ रहे हो, मजे किस तरीके से करना चाहेंगे सर, क्या क्या सपने पूरे करने हैं? अच्छी सी कार होनी चाहिए जी, कार अभी छोटी है और घर भी छोटा है, तो घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बस यही दो सपने होते हैं आदमी के, फिर बाकी बाद में विदेश जाना है। बिल्कुल, तो मतलब अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, छोटी कार और छोटे घर से बड़े कार और बड़े घर पे ही आना चाहते हैं, करोड़पति बनने का इनका सपना है। और जब इनके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो इनका ऐसा मानना है कि इन्हें घूमना फिरना है, विदेश यात्रा करनी है, तो इनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? कौशल किशोर। तो सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप, जेरोक्स वगैरह की दुकान है आपकी? 30 इयर्स से कर रहे हैं। इससे पहले सर कोई सपना आपकी लाइफ का भी रहा होगा, कुछ ना कुछ बनने का आपने सोचा होगा, क्या सोचा था सर? सपने थोड़ी पूरे होते हैं, सोचते तो है सर हम, आपने क्या सोचा? थोड़ी काम चलता है, सपने पूरे थोड़ी होते हैं। चलिए तो अभी जो आप काम कर रहे हो उससे सेटिस्फेक्शन है या क्या लगता है आपको, आगे कुछ और चाहिए, कुछ और उम्मीदें हैं? वो तो उम्मीदें तो होती है जी, देखते हैं क्या होता है। चलिए ये जो है सब कुछ इन्होंने वक्त और समय पर छोड़ा हुआ है कि आगे जो कुछ भविष्य में होगा वो इनके सामने आ जाएगा। और आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं उनके सपनों के बारे में। और आगे भी इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? अनिल चड्डा। क्या करते हैं सर? शॉप है। शॉप है आपकी। तो सर क्या सोचा था हमेशा, कुछ सपना था या हमेशा तो बिजनेस करना ही चाहा था सर? ऐसा तो किसी का सपना नहीं होता लाइफ में, आदमी कहीं भी कुछ भी हो सकता है जी। तो जैसे डिसाइड करके हम रखते हैं वैसा आपका कुछ डिसाइडेड नहीं था, और पहले नौकरी भी करी है और अब बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस भी सर कर रहे हैं आप और नौकरी भी की, तो क्या लगता है सेटिस्फेक्शन किसमें ज्यादा है, काम अपना बिजनेस में ज्यादा है? नौकरी बढ़िया रहती है आदमी के लिए सर जी। इसके अलावा सर आगे की लाइफ की अगर कुछ बात करें तो कुछ सपने या कोई ऐसी अधूरी इच्छाएं आपकी जो पूरी करना चाहते हैं? इंसान को बहुत ज्यादा सपने भी नहीं देखने चाहिए जी। तो आपको लगता है सर संतुष्टि है लाइफ में? संतुष्टि है। चलिए अपना काम ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, जो कुछ इन्होंने चाहा वो इन्हें मिला है। और आगे कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे उन्होंने लाइफ में क्या खोया क्या पाया। और दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? शिवराज। शिवराज जी जेरोक्स की शॉप पर आप काम करते हैं। तो सर सपना हर किसी का होता है लाइफ में, आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ के बारे में, क्या बनना चाहा था सर? मेरे को तो यही करनी थी जेरोक्स ही। जेरोक्स ही करनी थी। तो सर कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? काम करते हुए तो काफी साल हो गए, बाकी बीच में छोड़ दिया था। बीच में छोड़ दिया था। आगे के लिए सर क्या प्लानिंग है, आगे के लिए कुछ सोचा हुआ आपने, कोई ऐसी इच्छाएं हैं आपके मन में जो आगे पूरी करना चाहते हैं आप? इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में भी इसी काम से आगे बढ़ेगी ना। चलिए काम पे फोकस, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अपना बिजनेस अपना काम आगे बढ़ाए और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करें। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों से अब बात करते हैं। आपका नाम? अतुल शर्मा। अतुल जी क्या करते हैं आप? ऑप्टिकल की शॉप से। ऑप्टिकल की आपकी शॉप है। तो आपने क्या सोचा था, हमेशा बिजनेस ही करना चाहते हैं या कुछ और प्लानिंग थी? बिजनेस ही प्लान है। बिजनेस ही प्लान। तो फैमिली बिजनेस है आपका या आपने खुद अपना स्टार्टअप शुरू किया? सेल्फ है आपने अपने आप। तो बिजनेस का जो आपका सपना था वो तो पूरा हो गया। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या ऐसे शौक है आगे जो पूरी करना चाहते हैं आप, क्या ऐसी इच्छाएं हैं? शौक तो बहुत सारे होते हैं बट लेकिन वही है ना, जरूरत के हिसाब से अचीवमेंट मिलता है। तो कोशिश तो सर आप कर ही रहे। चलिए अचीवमेंट जब आपको मिल जाएगा लाइफ में, सक्सेसफुल जब आप हो जाएंगे, तो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है जो पूरा करेंगे? बहुत सारे सपने, सबसे पहले तो फैमिली का देखना जी, दूसरे का तो फैमिली को आप मतलब सेटल करना चाहते हैं। तो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को ये सेटल कर पाए और एक बेहतरीन लाइफ उन्हें दे सके। और आगे विन से जानते हैं। आपका नाम? नवीन। नवीन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th। 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपने क्या सोचा हुआ है, क्या बनेंगे बड़े होकर के? बिजनेस ही करेंगे। तो जॉब क्यों नहीं करना चाहते आजकल के जो यूथ हैं, वो उन्हें बड़ा चाह में गवर्नमेंट जॉब का। तो आपने कभी नहीं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए और फिर आराम से जिंदगी कटे, बिजनेस ही करना चाहते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या शौक है आपके? शौक तो कुछ नहीं है।
तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करके पहले अपना करियर बनाना चाहते हैं ये, और चाहते हैं कि बिजनेस ये करें, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, ताकि इनके जो सपने हैं वो पूरे हो पाए। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, आगे भी इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम? कल्पना शर्मा। मैम काम करती हैं या हाउसवाइफ हैं? नहीं, बिजनेस है, मैं इसका हॉस्टल का। ओके, बिजनेस करती हैं आप। मैम तो हर किसी का ड्रीम होता है लाइफ में, आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो प्लान क्या था हमेशा से? बिजनेस ही करना चाहते हैं? कुछ और? बिजनेस का ही था। बिजनेस का ही था। तो मैम कितने टाइम से कर रही हैं आप ये काम? मुझे तो, मैं 13 साल की ऐसे ही थी तब से कर रही हूँ। तो बहुत लंबे समय से आप काम कर रही हैं और अब बिजनेस आपका एस्टैब्लिश हो गया होगा। तो मैम वर्क फ्रेंड के अलावा बात करें पर्सनल लाइफ की, तो क्या क्या ऐसे शौक अभी बाकी है, क्या इच्छा है जो आगे? ऐसे कुछ नहीं है, अब शौक क्या है, बच्चों का भविष्य है, अब तो उनका देखना है। कितने बच्चे हैं मैम आपके? 2। तो क्या सोचा उनके लिए, चाहेंगी कभी कि आप बड़े होकर आपके बिजनेस को वो ज्वाइन करें या कुछ? नहीं, वो अपने अपने हिसाब से, उनकी इच्छा से, उनके फ्रीडम से अपने करियर को चुने। जी, तो बिल्कुल ये जो है बिजनेस कर रही है लंबे समय से और अपने सपनों को इन्होंने पूरा किया, और आगे चाहती है कि इनके जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मनोज गौतम। आप क्या करते हैं सर? बस ये मेज का काम है। मेज का ही काम है। तो सर आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था, आपने क्या सोचा था बनने का? सोचने में तो बहुत सोचा था, लेकिन अब जहाँ पर चेंज मतलब चेंज हो गया, सोचने में तो काफी था, जॉब का भी था, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। तो सर अभी जो काम कर रहे हो उससे कितना सेटिस्फेक्शन है? नहीं, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है सब। तो सब आगे के लिए कुछ और मतलब सपने जैसे हम सभी के होते हैं, आगे से आगे हम सोच के रखते हैं कि अब ये करेंगे, प्रोग्रेस का है, धीरे धीरे कर ही रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया है। जी, इसके अलावा लाइफ में सर पर्सनल लाइफ की बात करें काम के अलावा, तो क्या ऐसी इच्छा है बाकी जो आगे पूरी करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, बच्चों का भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में। तो बिल्कुल इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना बिजनेस खड़ा किया है और आगे चाहते हैं कि उसी बिजनेस को ग्रो करें, और बाकी इनके जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, ताकि उनके सपनों को पूरा कर पाए। और आगे अब इनसे जानते हैं आपका नाम? आदर्श आचार्य। आदर्श, क्या ड्रीम है लाइफ का, क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल डीजे के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। और आगे इंजीनियरिंग करूंगा कोई अच्छे से कॉलेज में, वहाँ पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिला तो सही है। अदरवाइज क्या प्लान है? अदरवाइज ऐसा कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? तो आपने कहा इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं, तो हमेशा से मन यही था या किसी ने गाइड किया आपको, किसी ने इंस्पायर किया इस फील्ड के लिए? मैं 9th स्टैंडर्ड से ही मतलब इंजीनियर बनने का शौक था, एक भैया थे मेरे, उनको देख के मैंने इंस्पिरेशन ली थी। ओके, तो उनसे आप इंस्पायर हुए और अब अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। तो वर्क फ्रंट पे आपने कहा इंजीनियर बन के आप अपना जो भी आगे करना चाहते हैं, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो कई सारी चीजें होती है, कई सारे एम्बिशंस होते हैं हमारे जो पूरे करने होते हैं, तो आपकी विश लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या सपने जो पूरे करेंगे पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में तो ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे यहाँ पे भेजा है, और उनके लिए जो भी करना है मतलब उनके लिए कुछ करूंगा जी। और पर्सनल में और ज्यादा कुछ है नहीं, क्रिकेट खेलता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिल गया तो सही है, वरना चलिए अपॉर्चुनिटी मान लीजिए आपको मिल जाती है क्रिकेट के लिए, देश के लिए खेलने की, तो अपनी टीम इंडिया के साथ मिलकर कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जो भी टीम होगा उनके साथ खेल, मतलब बेस्ट अपना देने की आप कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो इनका जो सपना है वो ये है कि इंजीनियर बनके ये अपने सपनों को पूरा कर पाए और कुछ बेहतर कर पाए अपने माता पिता के लिए, ताकि उनके सपने भी पूरे हो सके। और दोस्तों एक और छोटी सी दोस्त हमारे साथ है प्रोग्राम में, तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम? शानवी। शानवी कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? नर्सरी क्लास में पढ़ती है। ओके, तो खेलना ज्यादा अच्छा लगता है या पढ़ाई करना अच्छा लगता है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है। चलिए, फेवरेट मैम कौन है आपकी? मैम बताओ, कौन सी मैम सबसे अच्छा पढ़ाती है, कौन सी मैम अच्छी लगती है आपको? नाम बताओ। अच्छा, बड़ी होकर क्या बनेंगी आप? डॉक्टर बनेंगी। ओके, और चॉकलेट खाना पसंद है? मम्मा आपको चॉकलेट दिलाती है। तो ये छोटी सी जो बच्ची है इनका सपना है कि ये बड़े होकर के डॉक्टर बने, और देखा आपने इतनी छोटी सी उम्र में इनका कहना है कि इन्हें खेलने से ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके सपने, उनकी उम्मीदों के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती, आप देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभय सिंह है, मैं यूपी से हूँ। यूपी से आप है, तो कोटा में अभी हाल ही में आया हूँ एलन से, और मैं आईआईटी तो इंजीनियर बनना आपकी लाइफ का ड्रीम है, तो किसी ने इंस्पायर किया या खुद का हमेशा सपना रहा था कि इंजीनियर बनेंगे? मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया है। दोस्तों ने मोटिवेट किया है, तो इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, इसके अलावा क्या क्या इच्छाएं लाइफ में जो पूरी करना चाहते हैं अपने करियर के अलावा? मैं घूमने का शौक करता हूँ जी, बाहरी देश और
घूमने का शौक है, तो अगर मौका मिलेगा सबसे पहले कहाँ जाएंगे? केदारनाथ। तो ये जो है ट्रेवलिंग का शौक रखते हैं और साथ ही साथ ये अपनी आंखों में सपना लेकर आए हैं कोटा शहर में कि एक बेहतरीन इंजीनियर ये बन पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती और आगे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है ये बात करता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीता। क्या करती है मैम? मैं इसमें काम करती हूँ। तो मैम कितने समय से काम कर रही है आप? एक साल हो गया जी। तो और मैम आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के, जो है लाइफ में उससे संतुष्टि है आगे कुछ और बेहतर चाहती हैं? हम तो सोचे बहुत कुछ कि मेरा बाल बच्चा डॉक्टर बने, पढ़ाई लिखाई करे, मगर समय साथ नहीं देता है। कितने बच्चे हैं मैम आपके? 3 लड़का 1 लड़की है। ओके, 4 बच्चे हैं आपके। तो और क्या सोचा है मैम उनके लिए? उनको इसलिए सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ आगे के दिन बढ़ेगा जी, हम लोग दुख कलेश खत्म होगा, मगर मेरा जी बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और ये चाहती है कि अपनी कोशिश अपनी मेहनत से ये अपने बच्चों को उस मकाम पर पहुंचा सके जहां पर उन्हें इनकी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े और उनकी खुद की लाइफ के सपने और इनके सपने भी वो पूरे कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में आगे अब इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सर आपका नाम? सागर मल जैन। सर डेयरी का बिजनेस आप करते हैं, तो कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये बिजनेस? 30 साल हो गए। तो सर आपने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा लाइफ के लिए, आपके ड्रीम्स क्या थे सर, क्या बनना चाहा था? कुछ वैसा तो कुछ नहीं, बस व्यापारी करना था, पढ़ाई में शुरू से नहीं लगा मैं जी। तो शुरू से मतलब डिसाइडेड था कि बिजनेस ही आप करेंगे और अब आपका सर सपना तो पूरा हो ही गया एक तरीके से काम का। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं, क्या ऐसे शौक है अभी जो आगे पूरे करने हैं? लगभग सभी पूरे हो गए। तो सर संतुष्टि है लाइफ में या कुछ लगता है कभी? सब कुछ हर तरह से संतुष्ट है, हर तरह से संतुष्टि है। तो ये जो है इनका सपना था कि बिजनेस ये करें अपनी लाइफ में और बिजनेस करना चाहते थे, वो सपना इन्होंने अपना पूरा किया और अब इनकी लाइफ में संतुष्टि और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में जानते हैं। और आपका नाम बताएं सबसे पहले? मेरा नाम रितेश जंगम। रितेश क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो किस डिपार्टमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? आरएएस अधिकारी के लिए। क्या बात है आरएएस अधिकारी के लिए। तो हमेशा सपना यही था कि आरएएस बनेंगे या कुछ और सोचा था? हमेशा सपना यही था कि आगे जाके अधिकारी लाइन में जाना है, क्योंकि गांव एक अधिकारी पोस्ट पे पूरा। मेरा गांव का नाम है बामनवास जी, गंगापुर सिटी से 25 किलोमीटर है जी। तो मतलब आप सपना अपना पूरा करना चाहते हैं लाइफ का, ऑफिसर आप बनना चाहते हैं? अधिकारी जी। तो ये तो आपकी करियर की बात हुई, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या सोचा हुआ आगे लाइफ में, जब ऑफिसर आप बन जाएंगे क्या क्या सपने हैं जो पूरे करेंगे, क्या क्या शौक है? और तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा हुआ लाइफ के लिए, कुछ नहीं सोचा। चलिए इनका जो सपना वो ये है कि आरएएस अधिकारी ये बन पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए, कुछ बेहतर कर पाए अपनी खुद की लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और इस प्रोग्राम में आगे कुछ और नन्हे नन्हे दोस्त हमारे साथ है, तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी लाइफ के सपनों के बारे में जानेंगे। तो आपका नाम बताएं? वंशिका। वंशिका कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में आप पढ़ती है। तो आपका सपना क्या है, आपने क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनेंगी? इंजीनियर बनेंगी। तो शुरू से आपका मन था कि इंजीनियर बनेंगी या किसी ने गाइड किया फैमिली में, किसी ने इंस्पायर किया आपको? थोड़ा गाइड भी है और मतलब बस आप खुद भी चाहती हैं कि आप इंजीनियर बने। बिल्कुल, तो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। इसके अलावा और क्या क्या शौक है, आपके हॉबीज क्या है? डांस करना पसंद करती है। तो कभी पार्टिसिपेट करती है स्कूल वगैरह में जब कॉम्पिटिशन होते हैं या कोई इवेंट होते हैं? क्या बात है। तो डांसिंग के अलावा और क्या क्या शौक है? डांसिंग के अलावा ऐसे कोई खास नहीं, मतलब अभी करियर पर ये फोकस है, चाहती हैं कि इंजीनियर बन के ये अपने सपने को पूरा करें। और आगे एक और छोटी सी दोस्त हमारे साथ है, तो उनसे भी जानते हैं। आपका नाम बताएं? निशिका। निशिका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास में पढ़ती। तो आपने क्या सोचा हुआ है, क्या ड्रीम है आपकी लाइफ का, क्या बनेंगी आप बड़ी होकर? कुछ तो सोचा होगा ना आपने, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, टीचर बनेंगी या कुछ और स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती हैं? कुछ डिसाइड नहीं किया है। चलिए फेवरेट सब्जेक्ट बताएं अपना। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। और खाली टाइम में क्या करना पसंद करती है, जब छुट्टी होती है स्कूल की, फ्री हो जाती है, जब क्या करना पसंद करती है? डांस करना पसंद करती है। तो कभी सोचा है आपने कि बड़े होकर आप डांसर बन जाए या कोरियोग्राफर बनकर अपना करियर बनाए? नहीं सोचा है। चलिए ये जो है अभी छोटी क्लास में और अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। और प्रोग्राम में आगे कुछ और हमारे दोस्त हमारे साथ है, उनसे भी हम जानेंगे उनके मन की बात। तो आगे भी इनसे जानते हैं। आपका नाम बताएं? मेरा नाम रोहिणी है। रोहिणी कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं नेट ड्रॉपर हूँ।
नी ड्रॉपर हैं आप, ओके, तो प्रिपरेशन आप कर रही है, तैयारी आप कर रही है आगे के लिए, तो मेडिकल फील्ड में जाना है, ये कैसे डिसाइड हुआ, कब डिसाइड हुआ? ये मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड में जब मैं थी तभी से मेरी ये डिसीजन, लाइक मैं जब पूरे फैमिली लोग को देखती थी उन्हें कोई, तो मेरी मोटिवेशन वहां से आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे बड़े होकर इस फील्ड में जाकर कुछ करना है लोगों के लिए। चलिए, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है और कोशिश आप कर रही है, यकीनन कामयाब होंगी। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें, क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद करती है फ्री टाइम में? मैं वेस्ट मटेरियल से है ना क्रिएटिव, मतलब उससे मैं कुछ बनाती हूँ, वो मुझे पसंद है। बेस्ट आउट ऑफ ओके, क्रिएटिविटी आप करना पसंद करती है। इसके अलावा और क्या सपने आगे जो पूरे करेंगी अपनी लाइफ में? डॉक्टर जब आप बन जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पुअर फैमिली से उनके लिए है ना मेडिकल में जी, मतलब उनकी हेल्प करनी है पहले, और फिर अपने से जो बेस्ट हो अपने प्रोफेशन में 100% ऑनेस्टली। क्या बात है, तो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत मैच्योरिटी वाली बातें इन्होंने की है और बहुत बड़े इनके सपने हैं, ये करना चाहती है समाज के लिए कुछ बेहतर और अपने करियर को बना करके और अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है और उसके बाद कुछ योगदान देना चाहती है देश के लिए समाज के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेज इनके लिए और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ आरती, में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आपका नाम? सचिन सिंह। सचिन, क्या करते हैं आप? हम नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ड्रीम हमेशा से यही था कि मेडिकल लाइन में जाएंगे या कुछ और सोचा था? इसी में जाना, हाँ यही ड्रीम था, यही ड्रीम था। ओके, तो तैयारी आप कर रहे हैं और यकीनन अपने प्रोफेशन में आप बेहतरीन करेंगे। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें, क्या क्या शौक है, क्या सपने जो आगे पूरा करेंगे जब आपका करियर सेट हो जाएगा? करियर सेट हो जाएगा, ये जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, जो सेक्शन पिछड़ा हुआ है जी, तो उसके लिए कुछ करना है जी, तो लोगों के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं, आप जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, क्या पैशन है आपका? स्पोर्ट्स का शौक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते हैं। तो कभी सोचा आपने कि बैडमिंटन में अपना करियर बनाया जाए, स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बना लें, ऐसा कभी आया ख्याल मन में? था, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा स्टडी वगैरह में बिजी हो गए तो टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, तो अभी जो इनका पूरा फोकस है वो है कि अपने करियर पर ये फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में ये अपना नाम कमाए, अपना काम करें और समाज के लिए कुछ बेहतरीन कर पाए, और जब जब इन्हें मौका मिलता है अपने पैशन को भी ये फॉलो करते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है जी। राहुल जी, क्या काम करते हैं आप ये? मैं कबाड़े का धंधा करता हूँ जी। जी, कितने टाइम से कर रहे हैं सर? मैं कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो आपने सर क्या सोचा था, कुछ सपना था आपका लाइफ को लेकर, क्या बनना चाहा था? मेरे को सपना तो ये है कि कुछ अच्छा करके बताऊं, बाकी मैं कुछ बन नहीं रहा हूं मैडम। तो कोशिश आप कर रहे हैं लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही। चलिए, तो आगे के लिए क्या आपके सपना? आगे के लिए तो ये मैडम जी कि मैं बीवी बच्चों को मम्मी पापा को खुश रखना चाहता हूँ जी, तो उनको एक बेहतर आप लाइफ देना चाहते हैं। तो इनका जो काम है वो ये कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेहनत से कोशिश करके ये अपने सपनों को पूरा कर पाए ताकि इनकी जो लाइफ है और इनकी जो फैमिली है वो बेहतरीन लेवल पर आ पाए, स्टेबल हो पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? विजय सिंह। क्या करते हैं विजय जी? मैं ट्रेवलिंग एजेंसी का काम है। ट्रेवलिंग एजेंसी का आपका काम है, तो सर क्या सोचा था हमेशा से, क्या बनना चाहा था, ड्रीम क्या था लाइफ का? ड्रीम तो था ट्रेवल का काम करने का था जी, गए भी उसी मोड पे, पर अब आगे क्या होता है। तो सर सपना तो एक तरह से आपका सच हो गया कि जो आपने सोचा वो आपने कर दिखाया। तो काम के अलावा पर्सनल लाइफ की सर बात करें तो क्या ऐसे शौक अभी बाकी हैं, क्या सपने हैं जो आगे पूरा करना चाहते हैं? अभी तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ सही सही है जी। बाकी फिर जारी, आगे के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है आपकी, जिस ट्रैक पर लाइफ जा रही है आप संतुष्ट हैं उस चीज से? बिल्कुल। तो ये जो है अपना ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, इन्होंने जो चाहा वो करके दिखाया अपनी लाइफ में और अब सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। और आगे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं तो उनसे भी जानेंगे। आपका नाम बताएं? राजवीर। राजवीर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ए। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके। तो आपने क्या बनने का सोचा है, क्या बढ़ेंगे आप बड़े होकर के? पुलिस। पुलिस बनेंगे, ओके। तो किसने मतलब आपको गाइड किया, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि पुलिस बनना है, मूवीज देखकर लगा आपको? चलिए, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। और फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं जब छुट्टी होती है स्कूल की, तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं या कुछ और करते हैं? पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं। चलिए, छोटी सी उम्र में इनका सपना है कि ये पुलिस बने और पढ़ाई करना पसंद करते हैं। और आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम बताएं? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में है? सेवन्थ क्लास में। तो आपने क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया, क्या बनेंगी बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। आपको किसने इंस्पायर किया? खुद से ही आपने सोचा कि डॉक्टर बनेंगी। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है आपके प्रोफेशन के लिए। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
प्लेइंग और स्टडी। ओके, तो आपने कहा प्लेइंग आपकी हॉबी है, किस तरह के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहती हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन में, तो कभी स्कूल में खेलते हैं बैडमिंटन? पार्टिसिपेट किया कभी आपने? नहीं किया। चलिए, तो कभी सोचा कि आपका जो शौक है उसे प्रोफेशन बना लें? बैडमिंटन में या स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहेंगी आप? जाना चाहेंगी। चलिए, तो ये जो है अभी इनका सपना है कि ये डॉक्टर बनकर के अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे और समाज की सेवा कर पाए, देश की सेवा कर पाए, तो इनके बेहतरीन जो सपने हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। और प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में इसी तरह अलग अलग लोगों से मिलकर उनके मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।